अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, आप लोग कैसे हो। और आज मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक बीफ कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूं। तो सबसे पहले मैंने यहां पे कुछ बीफ का पीसेस लिया है और अभी इसको सिलबट्टे में कुछ इस तरह से प्रेस करूंगी ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए। आप लोगों के पास अगर ये ना हो तो आप लोग हमारे से भी ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वीडियो में जिस तरह से मैं कर रही हूँ उसी तरह से ही आप लोग कीजिए। और ये ऑथेंटिक रेसिपी है, किस तरह से मैं बनाऊँगी तो स्टेप बाई स्टेप दिखाऊँ, तो आप लोग वीडियो को पूरा देख के स्किप मत कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इजीली घर में हम लोग बना सकते हो। तो इस तरह से मैंने सारे पीसेस को देख के कितना ज़्यादा पतला किया है और उसके बाद मैं प्लेटर में निकाल लूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो बीफ का पीसेस है देख के कितना ज़्यादा पतला हो गया है, तो ऐसा ही चाहिए हमें। और अभी इसमें जाएगा, हमें लिया है ज़ीरा, मैंने यहाँ पे होल ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून, और कुछ सूखा मिर्च लिया है। तो ये थोड़ा स्पाइसी होगा तो आप लोग चाहे तो कम बना सकते हो, स्पाइस कम डाल सकते हो। एक दालचीनी का टुकड़ा, एक इलायची और 2-3 मैंने यहाँ पे काली मिर्च डाला है। और थोड़ा सा मैंने पीसने के बाद यहाँ पे होल धनिया मैंने डाला है और इसको भी मैं अच्छी तरह से पीसूँगी। और ये आप लोग मिक्सर जार में भी बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ऑथेंटिक रेसिपी दिखा रही हूँ जिस तरह से बनता है, तो उसी तरह से मैं बना रही हूँ। और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है, इस तरह से आप लोग बना सकते हो। और यहाँ पे अच्छी तरह से मैं पीसूँगी सारे मसालों को, और मिर्च को भी बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा पानी डाल के मैं एकदम फाइन पेस्ट बनाऊँगी। और उसके बाद यहाँ पे बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स है डालूँगी। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्याज, एक लार्ज साइज़ का प्याज को मैंने इस तरह से चॉप करके उसको भी मैं हल्का सा पीसूँगी। प्याज को ज़्यादा पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा पीसने से भी हो जाएगा, टेस्टी होता है। तो एकदम फाइन पेस्ट मत कीजिए, और थोड़ा सा मैं उसको भी पीस लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है। अभी इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 1 टीस्पून डाला है, और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और साथ ही साथ टेस्ट के हिसाब से मैंने नमक भी डाल दिया है, और सब कुछ को मैं हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है, और इससे अलावा कुछ मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो कुछ मसाला है हमने पहले से ही डाल दिया है और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और हाथ से अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है, और अभी जो पीसेस है मीट का उसमें मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, इस तरह से कोट करूँगी बहुत ही अच्छी तरह से। मैं मसाज करके अच्छी तरह से जो मसाला है मीट के साथ अच्छी तरह से कोट हो जाए। और इसको भी रेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसको फ्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास टाइम ना हो तो आप लोग इसको इस तरह से भी बना सकते हो, अगर रेस्ट लेना चाहते हो तो दे सकते हो, अगर टाइम नहीं है तुरंत ही फ्राई कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर तुरंत ही फ्राई कर रही हूँ, और यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब मैं इस तरह से मीट की पीसेस डालूँगी, और उसको एकदम हल्की हाथ से बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो ये फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एकदम हल्की आँच से मैं इसको फ्राई करूँगी। एक साइड होने के बाद मैंने दूसरी साइड को पलट दिया है, इसी तरह करके एकदम अच्छी तरह से फ्राई करूँगी ताकि एकदम जो बढ़िया टेस्ट आए। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा कलरफुल बन रहा है ये, और नीचे में थोड़ा सा एकदम अच्छा लगता है। इस तरह से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कीजिए ताकि एकदम बढ़िया कबाब बन जाए। तो इस तरह से आप इजीली घर में बना सकते हो। तो मैं एकदम ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों को मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।